फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना में जिस भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है वो सारा एडमिशन प्रोसेस में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। सारा एडमिशन प्रोसेस में एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसमें आपको एडमिशन यूजी रेगुलर कोर्सेज में जिस भी स्टूडेंट्स को बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इस सेशन में पार्ट वन में उसके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में एक वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा आप किस तरह से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां दिया गया है यूजी कोर्सेज इन रेगुलर स्ट्रीम ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें आपको 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्म फिलिंग डेट, एंड सेकंड स्टेप है मेरिट लिस्ट, थर्ड स्टेप है स्पॉट एडमिशन, फोर्थ स्टेप है क्लोजिंग ऑफ ऑल एडमिशन, एंड फिफ्थ स्टेप है क्लास स्टार्ट। इन्हीं 5 स्टेप्स के थ्रू आपको जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, और मैं इस वीडियो में एक एक स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग में कुछ गलती दिख रही होगी, यहाँ पे 1, 2, 3 एवं 4, यहाँ पे 3 दो बार रिपीट हो चुका है, तो इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस देखिए तो फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्म फिलिंग डेट, मेरिट लिस्ट, स्पॉट एडमिशन, क्लोजिंग ऑफ ऑल एडमिशन एंड क्लास स्टार्ट। ये 5 स्टेप्स क्या होती है, इन सारे स्टेप्स को मैं डिस्कस करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म फिलिंग डेट है ये आपको चालू होगी मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, यानी कि मई के मिडिल में, आप कह सकते हो कि मई के मिडिल में आपका चालू होगी। तो उसमें आपको क्या होगा, ऑनलाइन जो है आपको फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या लगेगा तो मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा कुछ जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स का है, जो आपको जिस जो जो चीज़ इसमें लगा था वो सारा कुछ बताता हूँ। तो देखिए यहाँ फर्स्ट में आपको क्या क्या लगेगा, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अदर कैटेगरी हो गया, आप डोमिसाइल, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सारा कुछ हो गया, जेंडर, सब कैटेगरी, आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, और ये सारा कुछ जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ देख लिए फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, अदर कैटेगरी, डोमिसाइल, रिलीजन, नेशनलिटी, जेंडर, सब कैटेगरी, आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस, स्टेटस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये सारा कुछ को ब्लर कर चुका हूँ, बस आपको उसमें क्या क्या डिमांड कर रहा है मैं आपको वो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये फॉर्म फिलअप करने वक्त आपको ये सारा कुछ मांग करेगा, तो उसमें एडमिशन ऑफ कॉरेस्पोंडेंस देना पड़ेगा और एक परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको जो है कुछ रुपया कटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पिछले ईयर की बात करें तो 300 रुपीज़ लगा था आपको फॉर्म फिलअप करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर जो है 300 रुपीज़ जो है लगा था पिछले ईयर। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, हाई स्कूल सीबीएसई, जिस तरह से आप देखिए हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उसमें आपको ईयर देना पड़ेगा किस ईयर से आप जो है पास आउट किए हैं। उसके बाद रोल नंबर आपको मांगेगा, मैक्सिमम मार्क्स मांगेगा और ऑब्टेंड मार्क्स मांगेगा, आपको एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स कितना था और ऑब्टेंड मार्क्स आपको क्या आया है वो आपको डिमांड करेगा। उसके बाद आपको इंटरमीडिएट का जो है सर्टिफिकेट मांगेगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट फॉर्म भरने वक्त आपको नहीं डिमांड करेगा, आपको कॉलेज जाके जो एडमिशन लेने जाइएगा उस समय आपको डिमांड करेगा। तो उसमें देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट के जो आपको जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसमें आपको ईयर मांगेगा किस ईयर से आप पास आउट किए हो, उसके बाद आपको रोल नंबर मांगेगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स मांगेगा और जो है ऑब्टेंड मार्क्स मांगेगा। उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करना, आपको फर्स्ट में जिस प्रायोरिटी पे आप कॉलेज दीजिएगा, मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये एएन कॉलेज चूज किया था, बीडी कॉलेज, सेकंड पे टीपीएस कॉलेज, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज आते हैं उन सारे को आपको जो है टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कम मिनिमम 10 कॉलेज जो है आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करके और यहाँ पे 300 रुपया पैड करके आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकेंड स्टेप जो है आपको उस पर। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है, आप फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपका सेकंड स्टेप आना पड़ेगा, उसको आपको सेकंड स्टेप जो है आपको मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है,
आप जो फॉर्म फिलअप कर देते हो 300 रुपीज आप कटा देते हो, तो उसके बाद आपका आता है मेरिट लिस्ट। तो आप अगर फॉर्म फिलअप कर सकते हो तो आपको दो रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपको एक दो रिसिप्ट मिलेगा। एक तो मैं जो अभी दिखाया हूँ आपको पहले, जिस पे आपको मैं आपको दिखा रहा था कि कितना कितना कौन कौन का सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको जो दिखाया हूँ एक वैसा रिसिप्ट आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा रिसिप्ट जो मिलेगा आपको इस तरह का आपको दूसरा जो है रिसिप्ट मिलेगा आपको कॉलेज की तरफ से। एक सूरी से जो मैं पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूँ वो रिसिप्ट हो गया, और दूसरा रिसिप्ट आपको इस स्टेप से मिलेगा जिसको आप प्रोविजनल ऑफर लेटर कहते हो, ठीक है। ये आपका ऑफर लेटर हो जाएगा जो आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा। उसके बाद आपको जो है मेरिट ये जो आपको जो है फ्रेंड्स जैसे आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट है ये आपका आएगा कॉलेज की तरफ से। तो फॉर्म फिलअप आप कर लिए तो वो जो आपको मैं फर्स्ट पे दिखाया था वो आ जाएगा, जिससे मैं आपको बताया था कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड पता है मेरिट लिस्ट, आपको मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपको मिलेगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में आपको ये रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज प्रोवाइड किया गया। तो अब मैं मेरिट लिस्ट की बात करता हूँ। तो मेरिट लिस्ट जो है तीन टाइप्स में निकलती है, मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देते हो आपको 300 रुपया पेड करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट तीन स्टेप में निकलता है। तो तीन स्टेप में देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी और थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आएगा आप उसमें जाके एडमिशन करा सकते हो। तो आपका जिस भी कॉलेज में मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको ऑफर लेटर के तहत आपको दिखा दिया जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे आपको ये एक ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर कॉलेज की वेबसाइट पाता, मैं आपको वेबसाइट पर भी जाके आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑफर लेटर दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो ऑफर लेटर है फ्रेंड्स ये है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह से आपका एक ऑफर लेटर आएगा और आपको एक डेट मिलेगा। मान के चलिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम आ गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है यू हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर एडमिशन इन द करेंट मेरिट लिस्ट। तो देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट आ चुका है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में आपको जगत नारायण कॉलेज जैसे इस लड़का को मिला था, ये कॉलेज मिला था, उसमें आपको मेरिट इंडेक्स आपको एक मिलाएगा, मेरिट इंडेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट इंडेक्स, और आपको इसी ऑफर लेटर में आपको एडमिशन ओपन डेट एंड एडमिशन क्लोज डेट होगा। तो आप मान के चलिए कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हो गया तो आपको इस डेट के अंदर में जाकर आपको एडमिशन करा लेना ये ऑफर लेटर के साथ में, और आपको 12th के मार्कशीट आपको एडमिशन कराने वक्त कौन कौन सा मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा कॉलेज, मैं आपको उस पर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि आप अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको इस तरह से कॉलेज की तरफ से एक ऑफर लेटर मिलेगा, सॉरी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर लेटर मिलेगा, और ये आपको कॉलेज में आपको लेके जाना है ऑफर लेटर विथ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ जिस तरह से आप मैं ये डिस्कस किया हूँ उसी में अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट आता है तो अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो चुका है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको इसी तरह से एक ऑफर लेटर आएगा। उसी तरह आपको अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में हो गया तो थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको जो है इसी तरह से ऑफर लेटर आएगा और एक एडमिशन डेट मिलेगी और एक एडमिशन का लास्ट डेट मिलेगा। तो उस एडमिशन के अंदर में उस डेट के अंदर में आपको जाके कॉलेज में एडमिशन करा लेनी है, ठीक है। तो एक फॉर्म फिलिंग डेट हो गया, उसके बाद मेरिट लिस्ट हो गया, जो मेरिट लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट के साथ साथ एक ऑफर लेटर आएगा, जो मैं ऑफर लेटर आपको दिखा दिया है। ऑफर लेटर में आपको कॉलेज कौन सा प्रोवाइड किया गया है वो लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलेज ऑफर लेटर आया, मान चलिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में गया, मान चलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं हुआ सेकेंड मेरिट लिस्ट में हुआ, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी आपको इसी तरह से आएगा, ठीक है, कौन सा कॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप जो प्रायोरिटी के हिसाब से कॉलेज चूज किए हो उसी में से आपको कोई कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ये कॉलेज मिला है, उसमें मेरिट इंडेक्स ये रहा है, तो आपको इस तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में इसी तरह से एक ऑफर लेटर आएगा, और उसके साथ आपको 10th और 12th का डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज चले जाना है और कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिलअप करना, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद आपको ये इसी टाइप का ऑफर लेटर आएगा और आपको कॉलेज लेके चले जाना है, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर फिर भी अगर थर्ड तीन मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी उसमें एडमिशन नहीं हुआ तो उसमें आपको एक स्पॉट एडमिशन प्रोसेस निकलता है। देखिए इसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट दो यूनिवर्सिटी की तरफ से निकलती है, उसमें भी अगर सीट खाली रह गया कॉलेज में तो उसमें स्पॉट एडमिशन होता है। तो स्पॉट एडमिशन क्या होता है, उसमें पहले आओ पहले पाओ की सुविधा होती है। जब भी आप सीट खाली हो, मान के लिए आपको किसी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आपको सीट खाली है, ठीक है, उसमें मान के चलिए 52 सीट है, तो उस कॉलेज में अगर जो भी स्टूडेंट्स पहले डॉक्यूमेंट लेके आपको मान के चलिए आपको मेरिट लिस्ट ऑफर लेटर निकला, उसमें आपको जो है
ऑफर लेटर में कोई कॉलेज नहीं मिला, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फॉर्म फिलअप किया जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर फॉर्म फिलअप किए हो और आपको अगर मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड में नहीं हुआ है तो ही आप स्पॉट एडमिशन में एडमिशन ले सकते हो, तो नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या जरूरी है, फॉर्म फिलअप होना चाहिए, और अगर मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड में नहीं आया तो आप स्पॉट एडमिशन में जिस भी कॉलेज में सीट खाली है आप पहले और पहले पाओगे सुविधा से आप पहले जा सकते हैं। मंथ के लिए आपको 52 सीट खाली है तो आपको 52 स्टूडेंट्स में आप जितना पहले जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है क्लोजिंग ऑफ ऑल एडमिशन, उसके बाद सारा एडमिशन क्लोज होने के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको अब इतना कुछ बताने के बाद आपको मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको गूगल में चले जाना, उसके बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ऐसे मिल जाएगा। आपको मैं आपको लिंक बताता हूँ, देखिए यहाँ पे वेबसाइट बताता हूँ, PPUP, देखिए यहाँ पे आ गया है PPUP.ac.in। आपको इस पे जाके डायरेक्ट सर्च कर देना, उसके बाद आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा नीचे, देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आने पर आप देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेटेड नोटिस है यहाँ पे, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का एक नोटिस का पेज खुल के आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आपको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, इस तरह से आपका पेज खुल के आ जाएगा। उसमें आपको नोटिस, जब भी आपको एडमिशन का फॉर्म फिलअप करने का डेट आएगा तो उस पर आपको जो है इस तरह से एक नोटिस बोर्ड मिल जाएगा, उस नोटिस पर आप क्लिक करके जो है आप यहाँ से नोटिस पढ़ सकते हो। तो मैं आपको जो पिछले ईयर का नोटिस है जो मेरे पास है मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले ईयर का नोटिस बोर्ड नोटिस दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर पिछले ईयर का जो ऑफर लेटर नोटिस जो निकला था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के लिए, वो नोटिस आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए इस नोटिस में किस टाइप से निकलता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स इन रेगुलर स्ट्रीम ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना स्टार्ट्स ऑन 12th मई। तो जिस तरह से मैं आपको बताया था कि मई के मिडिल में चालू होती, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे पिछले ईयर की बात करूँ तो मई के मिडिल में जो है एडमिशन का जो है निकाला गया था फॉर्म। उसमें देखिए आपको किस तरह से दिया जाएगा, स्टार्ट ऑफ एडमिशन ऑनलाइन 12th मई, ऑनलाइन फॉर्म जो है 12th मई, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म का जो लास्ट डेट होता है वो 13th मई, जो पिछले ईयर 2019 में निकला था। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसी तरह फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट जिस तरह से मैं बताया उस तरह से आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा 2 जून को, उसको निकला था ये पहला मैं बता रहा हूँ, उसी तरह से इस बार अगर निकलने होगा तो वह मैं बता रहा हूँ। तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ डिक्लेरेशन, उसी तरह से फर्स्ट डेट आपको निकला फर्स्ट मेरिट लिस्ट का और लास्ट डेट निकला, उसी तरह सेकंड मेरिट लिस्ट का फर्स्ट डेट और लास्ट डेट निकला है, ठीक है। उसी तरह आप अगर नीचे आते तो देखिए यहाँ दिया है, उसी तरह से आपको थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, सॉरी इसमें जो है सिर्फ फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड मेरिट लिस्ट तक दिया है, थर्ड मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट तक जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ देखिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट का जो लास्ट डेट दिया है वो 29 जून 2019 दिया था पिछले ईयर, तो इसी बेसिस पे इस साल भी आपको निकलेगा। उसके बाद आपको एयरपोर्ट एडमिशन का प्रोसेस आ जाता है, जो जितना सीट वैकेंट रह गया उस सीट पर आपको जज पहले और पहले पाओ की सुविधा से आपको सीट मिलेगा। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ऑल एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। तो ये रहा फ्रेंड्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की पूरा स्टेप बाय स्टेप एडमिशन लेने का प्रोसेस, जिससे आप जो है एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।